अगर हमें कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिसमें डिविडेंड भर भर के मिलता हो और बोनस धमाकेदार मिलता हो, तो सोच लीजिए आपका पैसा 10 गुना स्पीड से इंक्रीज होगा। तो कौन सी ऐसी कंपनी है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो वो कंपनी का नाम है BASF। ये कंपनी इंक्लूड है दोस्तों, मतलब ये कंपनी का काम क्या है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये कंपनी जो है क्रॉप प्रोटेक्शन में इंक्लूड है, मतलब केमिकल्स वगैरह बनाती है जिसमें जितने भी एग्रीकल्चर सॉल्यूशन है उसमें अच्छे से अच्छा ग्रोथ आ सके और जितने भी फसल है वो अच्छा हो, ठीक है। तो इसमें दोस्तों गवर्नमेंट का भी हाथ ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, ताकि किसानों के लिए और जो भी है दोस्तों एग्रीकल्चर में बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जैसे ही इंसान इंक्रीज़ हो रहा है और देखिए जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो दोस्तों जितने भी क्रॉप हैं उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा और एक बेटर तरीके से। आजकल आप देख सकते हो जो पहले के ज़माने में हमें नहीं मिलता था, ऐसे फ्रूट्स मिलते नहीं मिलते थे और डिफरेंट वेराइटीज़ के बहुत सारे चीज़ें नहीं मिलते थे, जो आज के डेट में बहुत मतलब अच्छे तरीके से अवेलेबल है, और एक की जगह 10 मिलता है दोस्तों, वो भी डे, मतलब अगर सीजन है तो भी मिलेगा, अगर सीजन नहीं है तो भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनी है दोस्तों जो केमिकल बनाती है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पर देख सकते हो BASF, ठीक है। अभी का जो करंट मार्केट प्राइस चला दोस्तों 1000 के आसपास चला, 1026 रुपीज़ के आसपास, और ये कंपनी दोस्तों बोनस और डिविडेंड भर भर के देती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन दिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी को ख़रीदना चाहते हो तो भूलिएगा मत, मैं बोलता हूँ भाई खरीद लो, भले ही मार्केट गिर रहा हो लेकिन फिर भी आपको ख़रीदना है, ठीक है। देख लीजिए मार्केट तो बहुत दिनों से गिर रहा है, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक देखिए आज के डेट में ही, मतलब लास्ट डेट जब मार्केट गिरा दोस्तों, निफ्टी सेंसेक्स जब 1500 पॉइंट गिरा, तब दोस्तों ये स्टॉक में देख सकते हैं 3 पॉइंट का जो है 3% का इसमें डाउन सर्किट आया है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों इस कंपनी को जबर मतलब ज़ोरदार खरीदारी कीजिएगा कंपनी में, और अच्छा से अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट कीजिएगा इस कंपनी का, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने वाला है। मौका बार बार नहीं आता, टाइम लिमिटेड है बार बार। हर एक वीडियो में मैं एक चीज तो जरूर समझाता हूं दोस्तों आप लोगों को, टाइम लिमिटेड है, खरीदो और प्रॉफिट लो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले हम डिविडेंड को चेक करेंगे, उसके बाद बोनस को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों डिविडेंड यहाँ पर देख सकते हो हर एक साल आपको दिया जा रहा है, ये जो भी है डिविडेंड परसेंट में आपको दिखाया जा रहा है, पहले 10 था 10 था 30 था, 10 के बाद 30 आ गया, मतलब समझ सकते हो कंपनी को कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, तब जाके कंपनी ने इतना बड़ा आपको डिविडेंड पे किया। सोचिए जब डिविडेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जब शेयर होल्डर को मिलता है, जब कंपनी को मिलता है तब वो जाके शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सोचिए जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तभी तो उन्होंने 10 से 30 कर दिया, 10 से 30 कर दिया, ठीक है। और 30 के बाद फिर देखिए अगर कम होता है, जब प्रॉफिट कम हुआ तो कम भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से इन्होंने को इंक्रीज कर दिया, जो इनका जो बढ़ाया गया था डिविडेंड का प्राइस दोस्तों वो बढ़ा दिया गया फिर से, जो पहले बीच में नुकसान हुआ हुआ मान लीजिए, या तो कोई नुकसान हुआ होगा या तो फिर प्रॉफिट डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों बोनस। सोच लीजिए जिस कंपनी ने बोनस दिया हर एक साल, वैसी कंपनी तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी दोस्तों, मतलब ऐसी कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम रेयर पाई जाती है ऐसे, ठीक है। तो बोनस के मामले में देख लेते हैं, तो ये कंपनी ने यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने भी 5 बार यहाँ पर बोनस दे दिया गया है दोस्तों, 5 टाइम्स आपको बोनस दे दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए जब भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो 1:2 का देती है, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम आपको बोनस दिया गया दोस्तों। आप सपोज मान लीजिए बोनस भी बहुत तरीके से दिया जाता है, एक होता है 1:1, जो 1:1 बोनस मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि आपने मान लीजिए अगर आपने 100 शेयर है आपके पास, 100 शेयर है तो उसमें से आपको 50 स्टॉक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 50 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अब आपके पास हो गए 150, ठीक है, तो फ्री में आपको मिल गया कितने 50। अब ये अगर 1:1 बोनस मिलता है, तो अगर 1:2 बोनस मिलता है तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपके पास 100 स्टॉक है तो वहां पर आपको मान लीजिए कि 33 स्टॉक आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, तो अब आपके पास हो जाएंगे दोस्तों 133 के आसपास, ठीक है। तो कंपनी ने देखिए 5 बार, मतलब कि दोस्तों 5 टाइम कंटिन्यू आपको बोनस देता गया, डिविडेंड भी दिया। अगर मान लेते हैं स्टॉक को स्प्लिट किया कि नहीं किया दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छी है।
अगर कंपनी में इतना ज़्यादा बोनस और डिविडेंड मिल रहा है तो समझ लीजिए कंपनी में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो तो भर भर के होगी, क्योंकि दोस्तों प्रमोटर्स ऐसी कंपनी को छोड़ते नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके वो खुद मतलब खुद ही हिस्सेदारी रख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए प्रमोटर्स के पास, यहाँ पर देख लीजिए प्रमोटर्स के पास मोर देन 70% है। मोर देन 70% आपको कहीं कहीं ही मिलेगा देखने को, जैसे कि IRCTC में आपको मोर देन 70% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो उसका बिजनेस मॉडल। और उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसके पास भी अराउंड प्रमोटर्स की होल्डिंग 73%, मतलब बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। और ये अपने होल्डिंग को कभी भी ना ही डिक्रीज किया ना ही इंक्रीज किया, दोनों में से कुछ भी नहीं किया इन्होंने। कंपनी में एक चीज़ नेगेटिव पाई जा रही है, वो क्या है दोस्तों, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज है, ठीक है। थोड़ा सा कर्ज है कंपनी के ऊपर, देख लेते हैं कितना कर्ज है दोस्तों, ये देख लेते हैं, ये कॉलम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंपनी के पास दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 876 है, ठीक है, 876 इसके पास कर्ज है। और इसके पास टोटल असेट कितना है वो देख लेते हैं, कहीं कम तो नहीं है। टोटल असेट के मामले में कंपनी कितना आगे है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2289, अराउंड 2300 के आसपास इसके पास टोटल असेट है। अगर कल को कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है तो ये वो मैटर को सॉर्ट आउट कर सकता है, क्योंकि इसके पास उससे भी ज़्यादा एबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके पास कर्ज जितना है दोस्तों, इससे ज़्यादा इनके पास असेट है, ठीक है। अभी DHFL में देखिए क्या हुआ था दोस्तों, DHFL को जब देना था दोस्तों, कंपनी का वैल्यूएशन देखा जा रहा था, तो उनके पास असेट नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, और ऊपर से उनके पास इतना कर्ज था जो कंपनी का वैल्यूएशन से ज़्यादा था। और यहाँ पर कंपनी का कर्ज है लेकिन दोस्तों बहुत कम है कंपनी का वैल्यूएशन से। और दोस्तों पीई रेशियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का जो पीई रेशियो है दोस्तों 69, अराउंड 70 के आसपास है, ठीक है, 70 के आसपास है। लेकिन दोस्तों यही लाइन में आपको ये बताया गया है कि इंडस्ट्री का अभी जो है वो देखिए 15 के, तो दोस्तों इसका वैल्यूएशन तो महंगा होगा, क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी है, इतना आप देखिए बहुत कम ही ऐसी कंपनी है जिसमें आपको कुछ ही कुछ दिया जाएगा। जैसे कि अगर किसी में आपको डिविडेंड दिया गया तो बोनस नहीं दिया जाएगा, किसी में आपको बोनस दिया गया तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। अगर एक कंपनी हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है तो सोच लीजिए ऐसा यूनिक कंपनी होता है। तो अगर आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा भाई कर सकते हो, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के लिए मत कीजिएगा, 2-4 दिनों में कुछ नहीं होता। जितना लंबा सोचिएगा, अच्छे कंपनी में पैसा लगाइए, तब जाके आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे भी अच्छा और इससे भी बेटर स्टॉक मैं आपको ढूंढ के ला के दूंगा, स्टडी करके ला के दूंगा, जिसमें आप अच्छा से अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आप हमारा पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, आप वहां से हमसे आके डिस्कस भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।